दीनानगर ब्लाक ते दुरंगला ब्लाक दे अहुदेदारां दीआं कीतीआं गईआं नियुक्तियां। विधायिका अरुणा चौधरी अते सीनियर कांग्रेसी नेता अशोक चौधरी ने नवें अहुदेदारां नूं वंडे नियुक्ति पत्र। कांग्रेस हाईकमान वल्लों नवीआं नियुक्तियां कीतीआं जा रहीआं हन, जिस दे चलदे विधान सभा हलका दीनानगर दे ब्लाक दुरंगला दे 36 अते ब्लाक दीनानगर दे 32 अहुदेदारां नूं नवीं बनी टीम विच नियुक्त कीता गया है, जिन्हां नूं साबका मंत्री अते विधायिका अरुणा चौधरी अते सीनियर कांग्रेसी नेता अशोक चौधरी वल्लों अपनी रिहायश ते नियुक्ति पत्र वंडे। नियुक्ति पत्र मिलन तों बाद नवें अहुदेदारां च खुशी दी लहर पाई जा रही है। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं विधायिका अरुणा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान वल्लों नवें अहुदेदारां दी चोण कीती जा रही है, जिस विच अज दीनानगर अते दुरंगला ब्लाक दे 68 नवें अहुदेदारां दी चोण कीती गई है, जिन्हां नूं अज नियुक्ति पत्र वंडे गए हन। उन्हां कहा कि नवीं टीम दे गठन नाल कांग्रेस पार्टी होर मजबूत होवेगी, जिस दा आउण वालीआं चोणां च कांग्रेस पार्टी नूं बहुत फायदा होवेगा। देखो जिवें दीनानगर च दो ब्लॉक्स ने साडे दीनानगर एंड दुरंगला, तो असी दोनों ब्लॉक्स के अपनी कार्यकारिणी की एक अहुदेदारां दी जिहड़ी लिस्ट है वो बनाई है, जिहड़ी कि जिला लैवल ते स्टेट लैवल की बन के आई है। सो अज उन्हां दे नियुक्ति पत्र जिहड़े ने असी डिस्ट्रीब्यूट किए ने, वख वख जिम्मेवारियां जड़ियां ने वो दित्तियां गईयां ने ताकि साड़ी टीम मजबूती दे नाल अपना काम कर सके, जिवें कि मीडिया दे वास्ते अलग और सैकटरी जनरल सैकटरी मीडिया कोआर्डीनेटर्स इस तरह दियां नियुक्तियां ने वो अज असी कीतियां ने, और मैं उम्मीद है कि असी एक मजबूत टीम बन के दीनानगर च जिवें पहले हर इलैक्शन दे विच मजबूती दे नाल काम करते हैं और होर भी मजबूती दे नाल असी नवीं टीम दे नाल काम करांगे। बिल्कुल, ये तो जिला लैवल नियुक्तियां स्टेट लैवल दीतियां ने, इस तो बाद असी स्टेट लैवल नियुक्तियां जड़िया ने वो भी असी गठन करांगे ताकि किसी भी तरह की जिम्मेवारियां जड़िया ने उन्होंने दित्तियां जाएंगी वक् वक् तरह दी, और आने वाले इलेक्शन के मजबूती दे नाल ये टीम साड़ी जी काम करेगी।